स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेडिंग इफेक्ट एंड हेयर इज द डायग्राम टू अंडरस्टैंड इट अबाउट द सोडियम ऐटम एंड द पोटाशियम ऐटम आप देख लें कि सोडियम ऐटम में टोटल थ्री शेल्स हैं वन टू थ्री फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकेंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वन अलेक्ट्रॉन मौजूदा थर्ड शेल में जो थर्ड शेल है इट इज़ द लास्ट शेल और इसके बाद और कोई शेल मौजूद नहीं है तो दिस लास्ट शेल इज़ द थर्ड शेल फॉर सोडियम इज़ कार्ड एज इट्स वैलेंस शेल पोटाशियम के केस में देखें और इसको आप कहेंगे इसका वैलेंस शेल इस थर्ड शेल के अलावा न्यूक्लियस और इस थर्ड शेल इस वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के राउंड जो अंदर टू शेल्स मौजूद हैं इन टू शेल्स को आप इनर शेल्स कहेंगे और इन टू शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे इज इट क्लियर टू यू ऑल जो थर्ड शेल है आउटर वाला वो वैलेंस शेल न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो शेल्स मौजूद हैं वो इनर शेल्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स को इनर इलेक्ट्रॉन्स कहा जा रहा है राइट तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है क्यों क्योंकि ये अंदर जो शेल्स मौजूद हैं ये शील्ड करने का काम करते का का हैं स्क्रीन करने का काम करते हैं कि पर्दे का काम करते हैं रोकने का काम करते का का हैं किसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्लियर तो यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान टू इनर शेल्स मौजूद हैं जबकि पोटाशियम के केस में क्या है पोटाशियम के केस में टोटल आपके पास फोर शेल्स हैं वन टू थ्री फोर और ये फोर्थ वाला शेल इसका वैलेंस शेल है बाकी आपके पास थ्री इनर शेल्स मौजूद हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान थ्री इनर शेल्स मौजूद हैं वन टू एंड थ्री तो यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो रही है ड्यू टू तो प्रेजेंस ऑफ तो थ्री इनर शेल्स जबकि सोडियम के केस में टू इनर शेल्स थे तो इट मीन्स के पोटाशियम के केस में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सोडियम इसलिए पोटाशियम का ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिस वन इज़ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ पोटाशियम दिस वन इसको रिमूव करवाना आसान होगा फॉर पोटाशियम जबकि सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करवाना आसान है लेकिन पोटाशियम वाले के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है इज़ इट क्लियर टू यू ऑल कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरम्यान अट्रैक्शन कम हो जाती है ड्यू टू तो प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को और इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं और ये भी हमने देखा कि इन इनर शेल्स की वजह से न्यूक्लियस अपनी पूरी पावर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो जितनी एक्चुअल पावर से अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दैट इज़ कार्ड इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज